हरिद्वार में रहने वाले बच्चों, दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई तुमसे पूछे किस जिले से आए हो। भारत में कहीं जाओ, कोई पूछे किस जिले से आए हो, तो उससे कहना कि तू अपने पासपोर्ट पे जो नाम लिखता है ना भारत, उसका नामकरण जिस बच्चे ने किया था, मैं उसके जन्म स्थान। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपके साथ हूँ तो मैं सुनाता हूँ बहुत। मैं मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है मैं कोटद्वार कभी आया हूँ, शायद पहली बार आया हूँ मैं कोटद्वार। आ चुका हूँ एक बार पहले कभी, हो सकता है मुझे ही याद नहीं है, तो क्या पहली बार आया हूँ। तो इतनी महत्वपूर्ण जगह, जिस जगह पर हुई एक प्रेम कथा ने विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कविता की रचना की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, उस कण्व द्वार पर मैं उपस्थित हूँ। वाह वाह, क्या कह रहे। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो तो पता चलता है कि ऋषि का, कवि का और राजा का संबंध क्या होना चाहिए। क्या बात। इसी कोट द्वार में एक हिरन के बच्चे के पीछे शिकार के लिए दौड़ता हुआ भारत का सबसे बड़ा राजा महाराज दुष्यंत अपने कवि मित्र मांडव्य शर्मा के साथ आया था। जो नए बच्चे, उन्हें कहानी पता नहीं होगी, रहते कोटद्वार में पर कहानी पता नहीं होगी, तो पहले मैं वही बता दूं। तो कालिदास लिखते हैं कि वो हिरन का बच्चा भाग रहा था और उसके पीछे तीर छोड़ा। ये जो पंखा चल रहा है कूलर में, इसकी पंखुड़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो पंखुड़ी, लेकिन इतनी तेजी से है कि वो एक दूसरे में ओवरलैप हो गई है और मटेरियल खत्म हो गया है, आर पार दिखने लगा है। यूरोप कहता है कि ये जो गतिबिंब है, ये जो काइनेटिक सिंबोलिज्म है, ये हम लेकर आए। और आज से 1800 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले कालिदास ने कविता लिखी। और मैं शाकुंतलम जब पढ़ रहा था बचपन में, तो मैंने वहां पढ़ा कि वो लिखते हैं कि जब दुष्यंत ने तीर चलाया और हिरन भागा, तो हिरन और तीर की गति एक जैसी थी। क्या बात है। तो तीर हिरन के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। आप देखिए, कई बार हम गाड़ी पास पास चला रहे होते हैं, दो ट्रेन है, तो हमें लगता है ट्रेन रुक गई है, दोनों चल रही होती है, और जो हिरन का पिछला हिस्सा था वो आगे वाले हिस्से में समा गया, ऐसा नहीं, तो तेज दौड़ने के कारण। कालिदास लिखते पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वक आया। तो हिंदुस्तान की उस जमीन पर जहां पहली बार गतिबिंब रचे गए थे, उसका नाम कोटद्वार है। ये मुझे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने कुमार भाई, वाह। और वो हिरन भागता भागता इन्हीं पहाड़ियों में कण्व के आश्रम में घुस गया। तो राजा कण्व के आश्रम में घुसने लगा, तो मांडव्य शर्मा ने कहा कि महाराज, अब ये गुरुकुल आ गया है, अब ये स्कूल आ गया है, अब ये यूनिवर्सिटी आ गई है, इसमें ये अपनी लाल बत्ती वाली पोंपो गाड़ी लेके मत घुसो, आगे पुलिस वाले चल रहे हैं, एनएसजी कमांडो चल रहे हैं, ऐसे मत घुसो, बाहर रुको, चूंकि ये ऋषि का आश्रम है। और क्या कहा, विनीत वेशे प्रवेशे, ऋषि आश्रम, ऋषि का आश्रम है, इसमें विनम्र वेश के साथ प्रविष्ट हो। मुझे आश्चर्य होता है कि आज, माफ कीजिए, अधिकांश साधु संतों की युति केवल ये रहती है कि जहां उनका आश्रम हो वहां किसी प्रकार मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए तो 5 दिन तक वो पोस्ट करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आ जाए तो हो सकता है साल भर पोस्ट करते ना ने। होना उल्टा चाहिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को किसी ऋषि के आश्रम में जाते में गर्व अनुभव हो कि मैं किसी ऋषि के आश्रम में गया। वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। दुष्यंत ने अपना मुकुट उतारा, दुष्यंत ने अपने हार उतारे, अपने हथियार रखे और फिर अपने दोस्त के साथ अंदर प्रवेश किया, तो देखा कि एक वलकल पहने हुए एक लड़की हिरन के बच्चे को, उसी बच्चे को गोद में दुलार कर रही थी कि तू थक क्यों गया, इतना डरा हुआ क्यों है, तुझे कौन भयभीत कर रहा है। और उसको देखते ही दुष्यंत हिरन तो भूल गया, खुद ही हिरन हो गया। और उसने कहा अपने मित्र मांडव्य शर्मा से कि हे मेरे प्रिय कवि, मेरे महल में हीरों से जड़ी हुई रानियां हैं, वो भी इतनी सुंदर नहीं लगती जितना वलकल पहने हुए ये एक ऋषि कन्या लग रही है, ऐसा क्या कारण है। तो मांडव्य ने कहा ये मधिक मनोज्ञा वलकले नापि तनवी किम भी मधुराणा मंडने आकृति नाम। जो मंडन आकृतियां होती है, जिनके अंदर देवीय विभूति होती है, वो किस ब्रांड का कपड़ा पहनती है निर्भर नहीं करता, जो पहन लगता है। मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि मैं
महर्षि कर्द की तपस्थली पे आया हूँ, जहाँ मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला को इसी जंगल ने पाला। उसे मेनका यहीं छोड़ गई थी जहाँ आप रहते हैं, और सुबह सुबह कर्म निकले स्नान के लिए नदी में, तो उन्होंने देखा कि शकुंत पक्षी एक साथ इकट्ठे होके इसी चीज पर परों से छाया किए हुए हैं। तो कर्ण ने देखा कि ये कौन है जिसके ऊपर शकुंत पक्षी छाया किए हुए हैं। तो उन्होंने नीचे से हटाया तो अत्यंत सुंदर एक छोटी सी बच्ची निकली रुई के फाये जैसे, जो रो रही थी। उन्होंने कहा, अरे कितनी सुंदर है, कौन छोड़ गया है? उन्होंने माता गौतमी को बुलाया और कहा, देखो कोई अपनी बिटिया को छोड़ गया है पैदा करके, अब तो हमें ही पालनी पड़ेगी। माता ने पूछा कि हम तो ऋषि लोग हैं, कैसे पालेंगे? अरे बोले पालेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि शकुंत पक्षियों के लावण्य से इसका जीवन प्रारंभ हुआ है, इसलिए शकुंतला नाम इसका रखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। और उसी शकुंतला के गर्भ से वो बच्चा पैदा हुआ जिसके कारण इस देश का नाम भारत रखा गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो कोटद्वार में रहने वाले बच्चों, दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई तुमसे पूछे किस जिले से आए हो, भारत में कहीं जाओ कोई पूछे किस जिले से आए हो, तो उससे कहना कि तू अपने पासपोर्ट पे जो नाम लिखता है ना भारत, उसका नामकरण जिस बच्चे ने किया था, मैं उसके जन्म स्थान से। क्या बात है, वाह 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 वाह।